दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जब हम इसमें सप्लाई को देते हैं तो जो NONC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कैसे परिवर्तन होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि NONC क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था और आज हम आपको इसको चेक करके बताने वाले हैं कि NONC क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो इसको हम जो सीरीज बोर्ड है उससे चेक करके बताने वाले हैं और मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें हमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई को देना होगा। तो जो इसकी कॉइल की सप्लाई है, दोनों साइड है A1 और A2, उसमें हमें कॉइल की सप्लाई को देना होगा। तो हम उसमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला जो कॉन्टैक्ट है इसमें हमें देना होगा, हम किसी में भी फेस या न्यूट्रल दे सकते हैं, चाहे A1 में दे दें चाहे A2 में दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ये जो कॉन्टैक्टर है वो 440 वोल्ट का है, तो हम दोनों साइड इसमें फेस भी दे सकते हैं, A1 में भी फेस दे सकते हैं और A2 में भी फेस दे सकते हैं, तब भी ये वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रल फेस की सप्लाई है 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारी बोर्ड में सॉकेट लगी हुई है, इस सॉकेट में हम इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और ये जो होल्डर के नीचे जो सॉकेट है इसमें हमें वायर्स को कनेक्ट करना होगा सीरीज से चेक करने के लिए। तो दो वायर्स लिया है और हमने उसमें प्लग को लगा लिया है, अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे सीरीज वाले सॉकेट में। ठीक है, अब हमें जो सीरीज़ है वो कनेक्ट हो गई, अब हमें सीरीज से चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को चेक कर लेते हैं। तो चालू किया हमने स्विच को और आपस में इसको कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ हमारी वर्क कर रही है। तो अब हमें जो इसके NC पॉइंट हैं उनको देखना होगा। तो देखिए जो ऊपर के NC पॉइंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, तो उसमें जब हम सीरीज लैंप को लगा रहे हैं तो जो हमारी शॉर्टिंग दिखा रही है, इसका मतलब जो सप्लाई है वो आपस में शॉर्ट है, तो ये NC कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम इसके दोनों साइड को चेक कर लेंगे। तो जो दो NC कॉन्टैक्ट है हमारे, तो दोनों वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों जगह हमारी सप्लाई आ रही है। तो इसके बाद हमें चेक करना होगा कि जो नीचे की साइड जो हमारे NO कॉन्टैक्ट होते हैं, तो अभी हम उनको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए उस पर कनेक्ट करने के बाद जो बल्ब है सीरीज लैंप है वो हमारी जल नहीं रही है, इसका मतलब है ये जो नीचे के कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे NO हैं, नॉर्मल कंडीशन है। ये हमने अभी तक इसको ऑन नहीं किया है कॉन्ट्रैक्टर को, तो नॉर्मल कंडीशन में ऊपर के NC हैं और नीचे वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वो NO हैं। अब हमें इसको ऑन करके देखना होगा, अब इसमें पता चलेगा कि NO और NC में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए जो हमारे NC कॉन्टैक्ट थे ऊपर वाले, अब वो NO कॉन्टैक्ट हो गए हैं जब इसको हमने परिवर्तन किया, इसमें सप्लाई दे दी है। तो देखिए ये जो ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट थे वो NC थे, लेकिन अब ये NO हो गए हैं, यहाँ पर जो टेस्ट लैंप है वो ग्लो नहीं हो रही है। और हम नीचे वाले जो NO कॉन्टैक्ट थे अब उसमें कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए जो NO कॉन्टैक्ट थे वो हमारे NC हो गए हैं और NC में जो सप्लाई है वो आप पहुंच गई है। तो यही होता है, जो NO कॉन्टैक्ट होता है अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो NC हो जाता है। तो हम इसका इसीलिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल कंडीशन इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मल में हम उसको क्या उपयोग करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से इसको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज बोला जाता है। एक ही कॉन्टैक्ट में दोनों स्थिति रहती हैं। ठीक है, अब हम आपको करके दिखाते हैं मल्टीमीटर से चेक। तो देखिए यहाँ पर हमने बोर्ड को थोड़ा साइड में कर देंगे और ये है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर पे हमें सेलेक्ट करना होगा कंटिन्यूटी जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको चेक पे लगा लेना होगा मल्टीमीटर को, और उससे हम इसको चेक करेंगे। तो हमें इसकी शॉर्टिंग देखनी है, तो शॉर्टिंग देखने के लिए हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है। तो हमने कंटिन्यूटी पे लगा लिया है, अब हम इसको जैसे हमने पहले बंद रखा था कॉन्टैक्टर को, उसी प्रकार से हम अभी इसको बंद रखेंगे और उसको बंद ऑफ पोजिशन में चेक करेंगे। तो देखिए जो ऊपर वाला हमारा जो है वो NC कॉन्टैक्ट है, तो हम उसको अभी बंद है हमारा, ये देखिए अब हम NC को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो शॉर्टिंग आ रही है हमारी, तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो शॉर्ट बता रहा है, तो इसका मतलब है ये NC कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हमारी सप्लाई है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे नीचे वाले NO है, तो NO वाले को देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में, वो NO जो है वो NO है और NC है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो सब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब जो है वो हमारे नीचे वाले NO हो गए हैं। अब इसके बाद हमें करना होगा कॉन्टैक्टर को ऑन, जब कॉन्टैक्टर को ऑन कर लेंगे तो उसके बाद देखिए हम चेक करेंगे, तो जो ऊपर वाला NC कॉन्टैक्ट था हमारा अब वो NO हो गया है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है वो NO हो गया है। और नीचे वाले जो हमारे NO कॉन्टैक्ट थे और वो उसमें देखिए वो शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ये NC कॉन्टैक्ट हो गए हैं, ये हमारा वाइब्रेशन हो रहा है जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है, इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रही है।
तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा शॉर्ट है, ये इसका मतलब जो एनो कॉन्टैक्ट थे वो एनसी हो गए हैं। तो यही होता है, जो एनो कॉन्टैक्ट होता है वो एनसी हो जाता है और एनसी कॉन्टैक्टर होता है वो एनो हो जाता है जब हम उसमें कोई परिवर्तन करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक एनो एनसी क्या होता है वो वाला पार्ट नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो पहले देख लें तभी आपको ये समझ में आएगा। तो उससे पहले आप उसको देख लें, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और सोलर प्लांट के मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं।